Hello children, welcome to ASA Education. Today our poem is The Rebel from Honeycomb Book Grade 7 CBSE. Do you know anyone who always disagrees with you or your friends? क्या आप कभी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमेशा चाहे आप हो या आपके फ्रेंड्स हो हमेशा उनकी बातों से कभी एग्री नहीं करता और लाइक्स टू डू द अपोजिट of what everyone thinks they should do. या जब भी सब लोग कुछ एक जैसा कर रहे होंगे तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि बिल्कुल उसके opposite करे. Think of a word to describe such a person. अगर ऐसे इंसान को हमें कोई एक word में describe करना हो तो सोचो हम उसे ऐसा क्या नाम दे सकते हैं. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. अब अपने अगर partner से आप discuss करो तो फिर आप उन चीजों पर ध्यान देकर सोचो कि ऐसे लोग जनरली क्या काम करते हैं. नाउ रीड द पोएम. अब ये जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं इसमें मेनली उस पर्सन को दर्शाया गया है जो हमारे से बिल्कुल ही ऑपोजिट या भिन्नता रखता है. व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. जब सबके बाल छोटे होते हैं तो रेबल यानी जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं जो हमेशा ऑपोजिट करता है वो जरूर कोशिश करता है कि उसके बाल लंबे हो यानी सबसे अलग हो. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. अब अगर सब लोगों ने लंबे बाल रख लिए तो वो अपने बाल छोटे करवा लेगा. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. अगर क्लास में कोई लेसन चल रहा है और उसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं तो ये जो रेबल होगा ये एक वर्ड नहीं बोलेगा. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. पर अगर सब चुप हैं और ध्यान से लेसन को सुन रहे हैं तब इस रेबल की कोशिश क्या रहती है कि वो जो है क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है. क्यों? क्योंकि उसका काम ही यही है कि जो सब करेंगे वो उससे उल्टा करेगा. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. अब अगर सब यूनिफॉर्म यानी एक सी ड्रेस पहनेंगे तो वो डेफिनेटली कोशिश करेगा कि वो बिल्कुल अलग से कपड़े पहन के आए. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. अब जब सब अच्छे कपड़े पहन के आ रहे चमकदार कपड़े पहन के आ रहे तो वो बिल्कुल सोबर सी ड्रेस पहन के आ जाएगा. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. अब जहां पर लोग जमा हैं या ऐसे लोगों का ग्रुप है जो ज्यादातर डॉग को लाइक करते हैं तो वहां रेबल जो है जाकर जरूर कहेगा कि उसे डॉग से ज्यादा कैट पसंद है. इन अ कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स. अब जहां पर लोग कैट की तारीफ करेंगे कैट को ज्यादा लाइक करते हैं तो उसने पक्का कहना है कि नहीं डॉग ज्यादा अच्छे होते हैं. व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन. अब जब सब लोग कहेंगे कि हाँ सूरज निकलता है अच्छा रहता है दिन निकलता है धूप होती है आसानी रहती है तो रेबल कहेगा नहीं बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है. व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन. अब जब सब कहेंगे कि अरे वाह बारिश हो रही है तो उसने कहना है कि नहीं सूरज छिप गया ये तो बड़ी बुरी बात हो गई. व्हेन एवरीबॉडी गोज टू द मीटिंग द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक. अब अगर सब लोग मीटिंग में जा रहे हैं कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो पक्का रेबल घर पे बैठेगा और किताब पढ़ेगा. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. अब अगर सब बाकी सब लोग जो हैं घर पे बैठे हैं किताब पढ़ रहे हैं तो रेबल ने पक्का बाहर जाना है मीटिंग में. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. अब जब सब ये कहते हैं जैसे किसी ने किसी चीज को मंगाया या किसी ने पूछा आप ये लेंगे तो हो सकता है सामने वाला हाँ कर दे या उस ग्रुप में जो लोग मेंबर्स हैं वो सब हाँ करें पर उस टाइम पर रेबल ने पक्का कहना है नहीं मुझे नहीं चाहिए. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. अब अगर सबने कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए तो रेबल ने कहा नहीं मुझे तो चाहिए हुई. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. क्योंकि अच्छा है कि एक बंदा ऐसा है जो हमारे ऑपोजिट है क्योंकि अगर सभी एक जैसे होंगे तो शायद हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा. क्यों? कोई तो एक ऐसा हो जो हमारी बात को अपोज करे ताकि उस बात में इंटरेस्ट जगे. अगर सभी एक जैसा फॉलो करने लग जाएंगे सभी एक चीज पर एग्री करने लग जाएंगे तो फिर जो उस चार्म होता है जो एक इंटरेस्ट होता है
जिससे हमें क्यूरियोसिटी होती है वो सब चीजें जो है खत्म हो जाएंगी। इसलिए पोएट के अकॉर्डिंग एक ऐसे बंदे जिसको उन्होंने नाम दिया है रेबल, उसका होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों पोयम अच्छी लगी, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।